पूरा प्रधान टिकराम कंडेला जी, धर्मपाल कंडेला जी जो मौजूदा खाप पंचायत प्रधान हैं, तो उनके द्वारा जो प्रोग्राम है आज कंडेला गांव के चबूतरे के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज जो है कंडेला गांव के अंदर मनाया गया है। तो हम बात करेंगे एक एक करके इस प्रोग्राम की, जो झलकी हम आपको दिखाएंगे। जो मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। भाई पप्पू जी, दयानंद प्रोफेसर साहब, बनी सिंह जी, गांव डोड़ा से भी दो गाड़ी आई है। एक बार जोरदार तालियां बजा के डोड़ा ग्रामवासियों का जोरदार स्वागत करने का काम करें। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी किसान श्रेणी गुट्टी के बाद जिस जो महिला बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डी जी, सरोज जी, नैना से। और गुड्डी जी, सरोज जी ने यहाँ पे बहुत चेहरे हैं जो महिलाएं किसान आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। अगर नाम लेने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक एक चेहरा याद है। और आपका सहयोग भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। और अभी जैसे गुड्डी जी गई थी कि सिर फुटवाए, सिर नहीं फुटवाए, मार पे तो 307 की। देखिए, महिला दिवस के मौके पर महिला दिवस मनाया जाता है, बट जो बराबरता का अधिकार है जो महिला को होना चाहिए वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में नहीं दिया जाता। अगर हम पॉलिटिकल तरीके से भी देखें तो पॉलिटिकली भी टिकट्स बराबरता के साथ नहीं दी जाती वो आगे लेके आने के लिए। सो हमारी ये भी विनती है पॉलिटिकल सिस्टम से भी महिलाओं को भी टिकट मिलनी चाहिए और यंग स्टूडेंट्स को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैम, महिलाएँ दिवस मनाया जा रहा है, महिलाएं कहां से कहां तक पहुंचे हैं और सरकारें जो महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण की यूनिटी की बात कर रही है वो कितना अपने उस पर जो है उतर पा रही है सरकार? देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बातें करती है, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो पंजाब में भी अभी इलेक्शंस होके हटे हैं तो महिला की एक टिकट थी पिट्टी जी की, वो भी काट दी कांग्रेस ने। वैसे हमेशा प्रियंका गांधी जी ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आगे नारा लगाया था, बट वो हमें प्रैक्टिकल रूप में नहीं दिखाई दिया पंजाब में। कहीं पर भी विधानसभा के इलेक्शंस में भी हमें किसी भी औरत को टिकटें और या किसी लड़कियों को टिकटें दे के उनको MLA के इलेक्शन में लड़ाया गया। आंदोलन में भी आपकी अहम भूमिका रही है, महिलाओं की भागीदारी देखी गई है, पहली बार ऐसा आंदोलन की अगुवाई जो महिलाओं ने करी है, आगे महिलाओं की मजबूती के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाए? देखिए, हमने एक किसान जथेबंदी बनाई है, किसान मजदूर एकता मंच जो हमने बनाया, जो महिलाओं का मंच होगा, क्योंकि इससे पहले की महिलाओं का कोई भी मंच नहीं है जिसकी अगुवाही एक महिला औरत करती हो। सो हमारी ताई खंडेला वाली है सुदेश खंडेला जी, जो की हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ सुनील जी हैं जो हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इसकी इस मंच को चलाएंगे और महिलाओं की ऐसे ही पंचायतें हम कराते रहेंगे और महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करेंगे। कंडेला खाप के चबूतरे के ऊपर आज आप पहुंची हैं, या कंडेला खाप की तरफ से आपको जो है यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था या एक इनेलो का प्रायोजित कार्यक्रम के अंदर आप निमंत्रण के ऊपर पहुंची? देखिए, मैं कंडेला खाप की तरफ से आई हूँ यहाँ पर एक किसान नेत्री के तौर पर। मैं किसी भी पार्टी को संबंधित नहीं हूँ, ना अनेलो से ना किसी और पार्टी को। हाँ, मैं अभय चौटाला जी की सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने किसानी हक में इस्तीफा दिया था और एक ही MLA थे जो आगे आके किसानों के लिए इस्तीफा दे के गए थे, और मेरे को कोई दिखा नहीं यहाँ पर हरियाणा में, किसी ने नहीं दिया, तो इसलिए हमने किसी की सपोर्ट। अरे भाई, मैं कहूँगी एक बात, तारीख देखना
भोजन नहीं तैयारी थी सब जितनी थी भोजन लाओ बताओ मारा तो एनएलओ का मतलब कार्यकर्ता में हमने सबका न्योंदा दे रखा था और एनएलओ ने क्या बुरा करा भाई किसानों का साथ दिया है कल परसों बीजेपी का आदमी आ रहा था उसका कोई नाम नहीं ले रहा एनएलओ 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 वर्गा तो कोई है नहीं आज पेश किया गया मैम सुषमा स्वराज के नाम से महिलाओं को अवार्ड दिया गया है एक बड़ा तोहफा दिया गया हरियाणा सरकार में जो महिलाएं हुई उनको सुषमा स्वराज की तरफ से अवार्ड अवार्ड दिए गए बट उस अवार्ड के अंदर क्या है क्या महिलाओं को क्या वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं क्या वो उनको सिलाई सेंटर खोल के दे रहे हैं क्या उनकी पढ़ाई एक जो प्लस टू तक है जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए लाइब्रेरीज खोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उसमें मैम एक मुद्दा है पूरा आज के टाइम पे जिस पर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध वहाँ पर चला हुआ है हमारी जो है बाहर की जो बेटियाँ हैं वहाँ पर MBBS करने के लिए जाती हैं बाहर सरकार कह रही है कि हमारे बच्चे जो है विदेश के अंदर जो पढ़ने के लिए जाती है लड़के भी जा रही है पैसा बाहर जा रहा है वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है क्या कहेंगे इस विषय देखिए अगर भारत सरकार पूरे तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज दे तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े बच्चे बाहर तभी जाते हैं जब उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कोई दिखती नहीं है यहाँ के हमारे बहुत इंटेलिजेंट जो डॉक्टर्स हैं साइंटिस्ट हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं वो इंडिया में क्योंकि वैसी कुछ है ही नहीं फैसिलिटीज ही नहीं देते हैं जॉब्स ही नहीं है हमारे तो पंजाब के ऊपर ही पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का खर्चा है तो क्या कर लोगे आप इंडिया वाले चाहे प्राइम मिनिस्टर जी बातें करें बड़ी बड़ी पर उनको पहले यहाँ पर जॉब्स नियुक्त करें बच्चों के लिए जिसमें भी वो कुछ करना चाहते हैं सब्सिडीज़ दें ताकि स्कॉलरशिप्स दें ताकि बच्चे यहाँ पढ़ सकें उनको क्या ज़रूरत है वो अपने माँ बाप से दूर जाके वहाँ पे पढ़ेंगे फिलहाल की अगर बात करें भारत के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है महिला कितना सशक्त हो पाई है देखिए महिला सशक्त है लेकिन वो अपने मोटिव से अपने अंदर की प्रेरणा से रही बात सरकार की तो सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया किसान आंदोलन में महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और एक अहम भूमिका निभाते हुए उसको जीतने का काम किया इसलिए आज मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ और हरियाणा प्रदेश की महिला हूँ फिलहाल की अगर बात करें महिलाओं की स्थिति के बारे में देखिए स्थिति ऐसा है कि आज महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं दूसरा लेकिन सिर्फ जो एक हमारे दायित्व जो बढ़ते हैं हमारा जो अधिकार बनता है उससे हमें वंचित रखा जाता है हम इस संघर्ष में हैं कि महिला शक्ति अपने अधिकार ले और दूसरा आज महिलाओं को घरों में रखा जाता है उनको एक भी रुपया दिखाया नहीं जाता है लड़कियों को कॉलेज जाने में दिक्कत है गांव-गांव में कॉलेजेस नहीं है ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिला सबसे बड़ी बार आज महंगाई की समस्या महिलाओं के प्रति आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे आगे देखिए जिस वक्त सत्ता आएगी तो मैंने ये हर जगह वायदा किया है आज मैं राजनीतिक मंच पे नहीं थी इसलिए मैं नहीं बोली लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये वायदा किया है कि जो महिलाएं चूल्हे तक सीमित रह जाती हैं उनके लिए जिस प्रकार बुजुर्गों का सम्मान निश्चित किया गया है उसी तरीके से महिला का सम्मान निर्धारित किया जाएगा एक राशि के तहत सरकार ने आज बजट पेश किया उसमें तीन महिला कॉलेज की बात की सुषमा स्वराज महिला को अवार्ड देने की बात कही है वहीं आप सिलेंडर के भाव भी देख लें वो भी महिलाएं यूज करती हैं सिलेंडर के भाव आसमान को और महंगा कर दिया और हरियाणा सरकार केवल घोषणाएं करती है जिस दिन बन जाए घोषणाएं तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी की थी लेकिन आज तक इतने साल हो गए एक कॉलेज नहीं बना के दिया तो घोषणा की है केवल उसका इम्प्लीमेंट कितना करते हैं ये देखना सुषमा स्वराज अवार्ड की जो घोषणा की उसके बारे में क्या कहेंगे देखिए मैं उसका सम्मान करती हूँ और सुषमा जी एक महिला थी और एक महिला होने के नाते मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और वो अवार्ड एक अच्छी चीज़ है थैंक यू मैम राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं फिलहाल अगर बात करें महिला की प्रेजेंट में स्थिति क्या है क्या जो भारत सरकार वादे कर रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर यूनिटी को लेकर के उसमें कितना खरा उतर पाई है ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है जो वादे करती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी सबसे ज्यादा मर्डर के आरोपी बीजेपी सरकार में है ये सिर्फ वादे करते हैं आप बिहार की बात ले हाथरस की बात ले लीजिए जिस राज्य में रात को 2 बजे बेटी को जला दिया जाए मिट्टी का तेल डाल के घर वालों के आगे चाबी लगा दी जाए आप वहाँ सब कहेंगे वो महिलाओं की इज्जत करते हैं ये सरकार महिलाओं की तो छोड़ी है किसी की इज्जत नहीं करती ना ये सैनिकों की इज्जत करती किसानों का आपने लखीमपुर खीरी में देखा होगा कैसे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी और उसके बाद मंत्री का बेटा उसको वो बरी कर देते हैं उसको खुला घूम रहा है और हमारे जवानों की बात करूं पुलवामा हमला इनकी सोची समझी साजिश थी सीधे सीधे हम यही कहेंगे कि इनकी मिली भगत थी अगर मिली भगत नहीं होती तो इतने सालों बाद आज तक उसके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई गई अगर बनाई है तो कौन कौन उसके सदस्य हैं और कौन उसका गुनहगार है
तो ये लोग जानबूझ के सत्ता के लिए मरवाते हैं लोगों को, सैनिकों को मरवाते हैं, फिर उनके ऊपर वोट मांगते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है, महिला के लिए 3 कॉलेज खोलने का बजट में प्रावधान रखा है और सुषमा स्वराज अवार्ड जो महिला सशक्त है उनको देने का जो प्रावधान किया। हरियाणा सरकार ने जब पहले भी बहुत कहा था ना कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, प्रेमनगर में भी पत्थर रखे गए थे, मेडिकल कॉलेज बना वहाँ पे, रिवाड़ी में भी उन्होंने बोला था बना, ये सिर्फ कागजों में बनाते हैं, ये सिर्फ बजट के लिए एक आवाज़ दिखा देते कि हम महिला ये बनाएंगे, इन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनाने, जो कॉलेज बने हुए हैं उनको ये बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल हरियाणा के इतने सारे 1053 स्कूल क्यों बंद कर दिए इन्होंने? ये चाहते हैं बेटियाँ पढ़ें, ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आप आवाज़ उठाएंगे। किसानों ने आज तक अन्याय सहा सरकारों का, अब किसान जाग गया आवाज़ उठाने लगा तो इनको तकलीफ हो रही है। ये अगर आप पढ़ेंगे, आप अपने हकों को पहचानेंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, तो इसीलिए स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि 3 कॉलेज और खोल रहे हैं। जो कॉलेज हैं उनमें तो अच्छी सी पढ़ाई करवा दो, वो 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों को डराया जा रहा है कि कोरोना है वहाँ पे, और उन्हीं स्कूल कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी में ये नेता जाके बीजेपी के वहाँ रैलियाँ करते हैं, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? ये बीजेपी सरकार जो कहती है और जो करती है उसमें दिन रात का फर्क है, ये सिर्फ वादे करती है, जुमले करती है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करता। मैनिफेस्टो में जो खट्टर सरकार ने किया था, पूछना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे आज तक कितने पूरे किए? आप गिनती उंगलियों पर गिनती करके दिखा दो। ठीक है, थैंक यू।